सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की 38वीं कक्षा, कल समापत्ति का विषय हुआ था। 41 और 42 सूत्रों में तो तत्स्थ तदंजनता, जो वस्तु है उसको आश्रित करके और चित्त की उसमें स्थित होकर के तदाकार आपत्ति उसी प्रकार से प्राप्त हो जाना, उसी तरह से आभासित होना, ये समापत्ति के अंतर्गत आया था। और इस समापत्तियों में पहली समापत्ति थी सवितर का समापत्ति, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन भेदों का संकर रहता है, वो मिले हुए रहते हैं, वो संकीर्ण रहते हैं। अब आगे निर्वितर का समापत्ति का विषय चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक सूत्र संख्या 35 पर भाष्य में विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, इसके भाष्य में नीचे आया है, तावत सर्वम परोक्षम इव अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु। तो इसमें मैंने आ अपवर्गादिषु ये बोला था, उसकी जगह पे यही ठीक है, परोक्षम इव अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु। आ की यहाँ आवश्यकता नहीं है, अपवर्ग आदि ये लिखा हुआ है इसलिए, वैसे भी अर्थ नहीं बनता। और इसके नीचे जो है, सबसे नीचे सूक्ष्म विषयम अपि आ अपवर्गात श्रद्धीयते या सुश्रद्धीयते, आ अपवर्गात, यहाँ तो आ ही ग्रहण करेंगे। तो किन्हीं को पूछना है तो पूछिए जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 41, यहाँ पर जो समापत्ति की बातें कर रहे हैं, तो समापत्ति को आपने बताया था कि संप्रज्ञात समाधि में जो प्रज्ञा होती है उसको ही समापत्ति के नाम से कहा गया है। तो पीछे जो संप्रज्ञात समाधि की चार स्थितियाँ बताई थी, वितर्क, विचारा, आनंदास्मिता, रूपानुगमात, तो उसमें जो वितर्क है और यहाँ पर जो वितर्कानुगत समापत्ति है, वितर्का सवितर्का समापत्ति है, तो वो दोनों समान है या कुछ भिन्नता है दोनों में? पीछे जो समाधियां बताई थी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, उसमें वितर्क में दो भेद यहां पर किए गए, सवितर्क और निर्वितर्क, और फिर विचार में सविचार और निर्विचार, इस रूप में यहाँ पर है। आनंद और अस्मिता के लिए सीधे सीधे यहाँ समापत्तियों में वर्णन नहीं मिलता है, तो है तो यहाँ पर भी चार का ही वर्णन, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ये जो चार भेद हैं। तो वहाँ वितर्क, विचार आदि जो नाम हैं, यहाँ वो लक्षण जहाँ भी घटेंगे इधर वाले, कि जिसमें शब्दार्थ ज्ञान संकीर्ण रहेंगे वो सवितर्क होगी, और ये नहीं रहेंगे तो वो निर्वितर्क होगी। ये स्थूल विषयों से संबंधित है, और आगे सविचार निर्विचार का भी वर्णन आएगा, वो सूक्ष्म विषयों से संबंधित है। केवल इतना इसमें वर्णन किया गया है यहाँ पर। अब स्थूल विषयों के अंदर हम स्थूल भूत आदि का हम ग्रहण कर सकते हैं, और थोड़ा पीछे जाएं तो थोड़ा और, नहीं तो स्थूल भूतों का हो गया सवितर्क का। और निर्वितर्क उन्हीं स्थूल भूतों में जब शब्दार्थ ज्ञान तीन नहीं रहते हैं, केवल अर्थमात्र निर्भास रहता है, वो निर्वितर्क कहलाएगा। तो ये वितर्क समाधि के अंतर्गत लेना चाहिए, ऐसा समझ में आता है संगति। और विचार, विचारानुगत जो है उसमें ये सूक्ष्म विषय वाले रहते हैं, ये भी सविचार और निर्विचार होते ही सूक्ष्म विषय वाले हैं। तो सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय वाले, सवितर्क निर्वितर्क स्थूल विषय वाले, इतना भेद इससे पता लगता है। आचार्य जी, समापत्तियों में जो सविचार निर्विचार कह रहे हैं, तो
ऐसा कह सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक में शब्दों के द्वारा हम विचार करते हैं जिसमें स्मृति वृत्ति भी रह सकती है, और दूसरी वो होगी जिसमें कि शब्दमय चिंता नहीं रहेगी। उसको थोड़ा ऐसे ना कहा जाए कि आपने ये बात रख दी कि संप्रज्ञात समाधि के दो भेद, उसमें एक वो जिसमें शब्दों के माध्यम से विचार करते हैं, शब्दों के माध्यम से विचार करते हैं ये मत बोलिए उसको, क्योंकि ये शब्द जिसमें रहते हैं, शब्द जिसमें साथ में रहता है, अगर शब्द के माध्यम से विचार कर रहे हैं तो ये तो ध्यान में ही आएगा, समाधि में नहीं जाएगा। समाधि में तो प्रत्यक्ष वाली बात मुख्य लगती है, ठीक है, मुख्य ये प्रतीति होती है कि वहां प्रत्यक्ष होगा, और विचार कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से वो ध्यान में जाएगा। अब जिस समय प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस प्रत्यक्ष के काल में ही जब शब्द भी रहता है, अर्थ भी रहता है, और ज्ञान, इन तीनों का भेद भी हमें पता लगता है, लेकिन इकट्ठे होते हैं सारे, तीनों साथ में रहते हैं, तो जब शब्द साथ में रहता है वो सभी तर्क में चला जाएगा, स्थूल विषयों का, शब्द अगर साथ में है तो, और शब्द से रहित है तो उसको निर्वितर्क में लेंगे। है दोनों में प्रत्यक्ष, सभी तर्क में शब्द है तो हम शब्द के माध्यम से कुछ विचार कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलिए उसको, वो भी ध्यान की तरफ संकेत चला जाएगा, फिर उसमें फिर नई भ्रांति शुरू होगी कि हम शब्द के माध्यम से विचार कर रहे हैं तो ये सभी तर्क का समापत्ति हो गई हमारी, ऐसा नहीं। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि सामान्य अवस्था में जब हम शब्दों को जान लेते हैं और व्यवहार करते हैं तो शब्द तो जुड़ ही जाते हैं, और कई बार हमें ये प्रतीत होने लगता है कि बिना शब्द के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है, शब्द तो साथ में रहेगा ही। एक शब्द के माध्यम से ज्ञान होता है, यानी शब्द प्रमाण से सुन करके पढ़ करके, वो एक अलग बात है, वहां तो वस्तु नहीं होती है सामने, लेकिन जहां वस्तु सामने होती है तब कोई ना कोई शब्द तो आएगा ही। जो वस्तु सामने है जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ विचार भी चलेंगे, कुछ से संबंधित पिछले अनुभव आ जाएंगे, तो शब्द के माध्यम से वाक्य के माध्यम से आएंगे, उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा एक कई बार मन में आता है, लेकिन वो भिन्नता तो रह सकती है। जैसे कि बिल्कुल नवजात शिशु है जिसको अभी भाषा का ज्ञान नहीं है, ना शब्द का पता है, ना भाषा का, ना वाक्यों का, वो भी तो वस्तुओं को देखता है, वो भी तो खाता है, वो भी तो स्पर्श करता है, अनुभव करता है ना, वो कैसा होता है? उसमें शब्द और वाक्य जुड़े हुए रहेंगे? नहीं रहेंगे। अपनी पिछली अनुभूति भी करता है वो, पीछे जो अनुभव किया अब फिर अनुभव कर रहा है, उसने कुछ मीठा खाया, चरपरा खाया कि ये मीठा है, ऐसा है, अनुभूति कर रहा है, शब्द नहीं है अभी उसके पास में, और पिछली अनुभूति को भी वो स्मरण करेगा, ये वैसा ही है, ये संबंध तो जोड़ देगा, पहले भी मैंने किया था, अब ये दोबारा फिर मैं इसको खा रहा हूं इत्यादि, ये उसको प्रतीति तो हो रही है, लेकिन शब्द और वाक्य भाषा नहीं है वहां पर। तो ऐसे ही जब समाधि में शब्द नहीं रहता, शब्द नहीं रहता है, ये निर्वितर्क के अंतर्गत आता है, विषय अलग रहेगा लेकिन प्रक्रिया वैसी ही रहेगी, केवल वस्तु मात्र है, ये भेद पता लगता है। इसी तरह से ज्ञान के संदर्भ में भी हमें भेद करना होगा, उसको समझने में कठिन है, उसको बच्चों के लिए हम कह नहीं सकते कि बच्चों में ऐसा होता है, नहीं होता है। जब हम जान रहे होते हैं किसी भी वस्तु को, अनुभव कर रहे होते हैं, तो साथ में वस्तु भी दिख रही होती है और साथ में ये भी बोध रहता है कि मैं जान रहा हूं, यद्यपि घुले मिले रहते हैं बिल्कुल साथ में, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो पता लगता है कि हाँ ये वस्तु वहां है और इसका ज्ञान मेरे को हो रहा है। ज्ञान की भिन्नता, ध्यान देंगे तो हमें शब्द अलग दिखेगा, वस्तु अलग दिखेगी और ज्ञान अलग दिखेगा, वस्तु बाहर है, ज्ञान अंदर है उन वस्तुओं के लिए जो बाहर है, तो ज्ञान भी हमें भिन्न प्रतीत होने लगेगा, ठीक है, लेकिन रहते तीनों हैं। एक स्थिति वो है जहां व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान दोनों तीनों मिले हुए हैं, उसको पता ही नहीं है ये तीन चीजें होती हैं, यही नहीं पता है उसको, तो व्यवहार कर रहा है,
लेकिन वहां शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों रहते हैं। फिर जिनको पता लग गया कि शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है, वो भी जब व्यवहार करते हैं तो वहां भी तीनों रहते हैं। आप भी ऐसी स्थिति अनुभव करते हैं जहां ये तीनों नहीं रहते हो? लौकिक व्यवहार में कहीं भी कोई भी अपना एक व्यवहार आप देख सकते हैं, चाहे व्यायाम कर रहे हो, चाहे स्नान कर रहे हो, चाहे बाग में काम कर रहे हो, और कोई कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी, किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, उन सब स्थितियों में आप अपना अपना आकलन कीजिए कि वहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीजें रहती हैं। और सामान्य रूप से हम भेद नहीं करते हैं वहां पर कि ये शब्द अलग है, ये अर्थ अलग है, ये ज्ञान अलग है, बस हम तो इकट्ठे बस कर रहे होते हैं। हाँ, आप विशेष रूप से उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो लगेगा कि अच्छा हाँ ये शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है। वैसे एकांत में बैठ के सोचेंगे जानने के बाद में तो तीनों अलग अलग पता लगता है कि तीनों हैं। जैसे अभी आप किसी घटना के बारे में सोच रहे हो तो लगेगा हाँ तीनों अलग अलग है, लेकिन जिस समय प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, जिस समय हमारा व्यवहार चल रहा है, उस समय तीनों का भेद उभरा हुआ नहीं रहता है। हम जानते हैं तीनों अलग अलग हैं, लेकिन वो भेद उभरा हुआ नहीं रहता है, इतनी तीव्रता से होता है कि हम भेद नहीं करते। जिस प्रकार से भाषा में, वाक्य में हमें पता है कि अनेक शब्दों से मिलके एक वाक्य बना है, और एक एक शब्द भी अनेक वर्णों से मिलकर के बना है, यह हमें पता है, बोध है। लेकिन जिस समय हम सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उस समय हमारे को एक एक का बोध नहीं होता है, हम उस पर गौर नहीं करते, वो उभरा हुआ नहीं रहता है हमारा ज्ञान। कोई पूछेगा तो हम अवश्य बता देंगे ये देखो एक एक वर्ण है, ये एक शब्द है, ये एक वाक्य अलग है, ये अगला वाक्य अलग है। लेकिन उभार जिस समय हम अभी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम कभी भी ये एक एक को ध्यान से नहीं होता है, उस तरह से नहीं आएगा ध्यान में, वो तीव्रता से होता है, शीघ्रता, और उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं होती है उस समय इस बात पे गौर करने की। तो जैसे भाषा में एक एक वर्ण और एक एक शब्द उभर करके नहीं आते, थोड़ा बोध हो सकता है लेकिन ऐसे उभर के नहीं रहते जैसे हम एक अलग अलग देखें, इसी प्रकार से शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग पता होते हुए भी व्यवहार काल में साथ साथ में होते रहते हैं, हम इनका भेद उभार करके नहीं देख पाते। जब विशेष प्रयत्न करेंगे तो पता लगता है तीनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रयत्न नहीं करेंगे, केवल व्यवहार कर रहे हैं, तो चूंकि हम व्यवहार पर केंद्रित हैं इसलिए ये भेद प्रकट नहीं होगा हमारे को, अनुभूति में नहीं आएगा, उभार में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे किसी को चाहे पता लग रहा हो तीनों का भेद या नहीं लग रहा हो, लेकिन रहते तीनों हैं वहां पर सामान्य अवस्था में। ठीक है, पता लगे या ना लगे, रहते तीनों हैं, उसको यहां कहा संकीर्ण। अब ये तो हमारे व्यवहार काल में हुआ। इसी तरह जब सवितर्क समापत्ति होती है, सवितर्का समापत्ति होती है, वहां भी प्रत्यक्ष तो कर रहा है वो स्थूल विषयों का, स्थूल मतलब उन सूक्ष्मों में जो स्थूल है उनकी दृष्टि से, ये स्थूल विषय नहीं जो हमारा व्यवहार का होता है। जिस समय वो कर रहा होता है तब तीनों रहते हैं साथ में, शब्द, अर्थ और ज्ञान, उसी को कहा यह शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब उसी वस्तु में शब्द ना रहे और ज्ञान का बोध ना रहे, बस केवल अर्थ मात्र निर्भास रहे, ये निर्वितर्क हो जाती है, निर्वितर्का समापत्ति हो जाती है। इसको भी अपने व्यवहार से देख सकते हैं, कभी कभी किसी कार्य में हम इतने लीन हो जाएं, बहुत एकाग्रता की स्थिति में, वो चाहे किसी कोई कथा पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, या फिल्म देख रहे हैं, या खेल देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा, उसमें शब्द खो जाएंगे व्यक्ति के, शब्द नहीं रहेंगे, उसको ये भान नहीं रहेगा कि मैं यहां शब्द भी है और मेरे को ज्ञान हो रहा है, ये भी भान नहीं रहेगा, वो केवल अर्थ मात्र निर्भास रहता है, उसी में डूब जाता है, लीन हो जाता है। अब नाटक को कोई देखते हुए एक तो ये अनुभव कर रहा है कि मैं नाटक को देख रहा हूं, मैं यहां कुर्सी पे बैठा हूं, इस कमरे में बैठा हूं, ये नाटक चल रहा है मंच के ऊपर या दूरदर्शन के ऊपर, ये प्रतीतियां बनी हुई हैं उसकी,
सामान्यतः रहती है, पंखा चल रहा है, गर्मी है, नहीं है, सर्दी है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी हमारे को पता रहती हैं, उस पर एकाग्र होते हुए भी, पर अधिक एकाग्र नहीं होता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहां हम ये भूल जाते हैं कि मैं नाटक देख रहा हूं, वो नाटक में ही सम्मिलित हो जाता है। ये जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि मैं बैठा हूं, जैसे वास्तव में हम बैठे हों और वो गतिविधियां चल रही हों, कोई घटना घट रही हो, जैसे अभी कोई घटना घटते हुए हम अपने को उसका प्रत्यक्ष दर्शता या भागीदार समझते हैं कि मैं इसमें इसको जी रहा हूं अभी, ऐसा ही नाटक के समय भी हो जाता है। अब उसको ये नहीं कहे कि ये नाटक आ रहा है और ये कहीं और फिल्माया गया था और मैं तो यहां कमरे में बैठा हूं अपने, ये भूल जाता है, वो उसी में सम्मिलित हो जाता है, पूरा फिल्म हो खेल हो खो जाता है उसके अंदर, अपने स्वरूप को भूल जाता है। मैं कुछ देख रहा हूं, मैं कुछ जान रहा हूं, मैं कोई नाटक से सीख ले रहा हूं, किसी का नाटक आ रहा है और उसको मैं देख रहा हूं, ये बोध अब नहीं रहेगा उसको। मैं किसी दो पार्टियों का, दो टीमों का, वर्गों का खेल देख रहा हूं, ये नहीं बोध रहेगा, उसमें सम्मिलित हो गया, बिल्कुल खुद ही सम्मिलित हो गया, जैसे कि खुद ही एक खिलाड़ी हो, इस रूप में एक भागीदार हो, किरदार हो, ऐसा पहुंच गया वो, ऐसी स्थिति बन जाती है, एकाग्रता हो, लीन हो, हमें बहुत रुचि रख रही हो, लग रही हो, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अब बस अर्थमात्र निर्भास है, कोई शब्द नहीं, कुछ ज्ञान हो रहा है ये भी नहीं, बस अर्थमात्र निर्भास हो गया, उसमें एकदम लीन हो जाता है। कुछ ऐसी स्थिति इस समझने के लिए है, आप इसमें प्रश्न उठा सकते हैं कि भी नहीं, यहां भी कुछ ना कुछ रहता है, रहता होगा, लेकिन हमारी जो दो स्थितियां हैं उनमें अंतर है, बस उस अंतर को एक संकेत रूप में हमें देखना है कि ऐसा ही अंतर सवितर्क और निर्वितर्क में रहेगा, सवितर्क का समापत्ति निर्वितर्क का समापत्ति में रहेगा। सवितर्क का समापत्ति शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहेंगे, निर्वितर्क में शब्द और ज्ञान छूट जाएगा, बस केवल अर्थ मात्र रहेगा, ये भेद देख सकते हैं। स्थूल उदाहरण है ये, बाहर का जो उदाहरण दिया शत प्रतिशत उससे मिलता हुआ नहीं है, लेकिन हम अंतर अनुभव कर सकते हैं, वही यहां पर इसी तरह का, इससे भी अधिक अंतर वहां रहेगा, वस्तु मात्र रह जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ आप पूछिए। आचार्य जी, सूत्र नंबर 41 में पहला अनुच्छेद में अंतिम पंक्ति, तथा विश्व भेद उपरक्तम विश्व भेद समापन्नम, इसमें विश्व भेद का क्या अर्थ है ये स्पष्ट नहीं है। विश्व का मतलब है सब, विश्व शब्द अनेक अर्थ में, अनेक के लिए भी आता है अनेक, और सब अर्थ में भी आता है। तो अब इन्होंने जो ऊपर की चीजें गिनाई, कुछ कुछ बता दी स्थूल में और इसमें, तो कहा कि जो भी भेद हैं, सारे भेद वस्तुओं के जो भेद हो सकते हैं उन सब पे ये घटा सकते हैं। एकदम व्यवहार वाले जो होते हैं उनको मैं भी कई जने व्याख्या करते हैं इसकी, कि जो हम किसी भी पेड़ को, गाय को, व्यक्ति को देखते हैं, वहां पर भी ये सवितर्क समापत्ति होती है, वहां भी यदि एकाग्र हो जाता है ऐसा व्यक्ति, उसको भी समापत्ति के रूप में कहते हैं। और इसमें जो गौ आदि का भी उल्लेख आ जाता है, उससे कई जने इस तरह की व्याख्या करते हैं, पर मेरे को वो संगत नहीं लगता है, विचारणीय रखता हूं कि भई हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी कह रही हैं, लेकिन ये समाधि की चीज तो इससे भिन्न होनी चाहिए। तो कई लोग तो बिल्कुल सामने वाली चीजों को भी कहते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति विश्व भेद वाला अर्थ का अर्थ करते हैं, भेद मतलब तो प्रकार, विश्व मतलब सारे भेद, सारे भेदों से उपरक्त, अब यहां या तो एक एक का नाम बताते हैं, वो गाय, घोड़ा, बकरी, पत्थर, पानी, आग, कपड़े, केला, आम, अमरूद, ऐसे एक एक बताते हैं, उसकी जगह क्या कह दिया, जैसे हम कहते हैं सारे ही भेद, अब उसमें सब चीजें आ गई। ये तब बोल रहा हूं जब वो पहला दो अन्य लोग अर्थ लेते हैं बाहर वाली चीजों का, उस संदर्भ में इसको हम ले लेंगे।
अब उसमें विश्व में मान लीजिए आपने एक चीज ले ली, गाय ले ली, तो अब गाय भी तो एक ही शब्द बोला है, अब गाय भी तो सब अलग अलग होती हैं, शत प्रतिशत एक जैसी दो गायें होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ भेद तो रहेगा ही। तो उस उनका भी सबका नाम लिखें कि फलाना गाय, फला गाय, फला गाय, फला गाय, फला गाय, कोई मतलब नहीं है उसको समझाने से। तो वो भी नहीं कहा एक एक शब्द गाय का, वो भी नहीं कहा, उसको भी संकुचित करके सीधा कह दिया विश्व भेदोपरक्तम, विश्व सारे जितने भेद हैं वस्तु मात्र से उनसे उपरक्त, उनसे युक्त एक बात, और बाकी दो भी वैसे ही हैं। विश्व भेद समापन्नम, जितनी भी वस्तुएं हैं उनके भेदों के प्रकारों जैसा होता हुआ समापन होता हुआ कौन चित्त, और विश्व रूपाभासम समस्त वस्तुओं के रूप के जैसा दिखने वाला हो जाता है। ठीक है, समापन, उपरक्त, समापन और वैसा आभासित होने वाला, ये तीन चीजें हैं, ये तीन जगह सब जगह दी हैं इन्होंने, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य में इसी शैली में सब जगह किया, तो सभी भेदों को ग्रहण कर दिया है, ग्राह्य वस्तुओं के भेद के लिए लेना है ये, ग्राह्य के लिए। ठीक है, बोलिए। 42वें सूत्र में का जो भाष्य है उसमें हम तीन चीजों का प्रत्यक्ष जो मान रहे हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, तो फिर वहां तीन चीजों का प्रत्यक्ष ऐसा नहीं कह रहे हैं, तीनों का प्रत्यक्ष नहीं, मुख्य तो वो वस्तु का ही प्रत्यक्ष होगा, शब्द साथ में रहेगा, शब्द का बोध हमें हो रहा है आप कह सकते हैं परोक्ष रूप से कि भाई उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, प्रत्यक्ष तो वहां उसी वस्तु का कहलाएगा, जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो वस्तु अर्थ, साथ में उसका नाम भी जुड़ गया हुआ है और साथ में उसका ज्ञान भी जो हमारे को उससे उत्पन्न हो रहा है इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ज्ञान हो रहा है, तो तीनों का तीनों साथ में रहते हैं, और जिस समय हम ये बोध करते हैं कि यहाँ शब्द भी है, अर्थ भी है, ज्ञान भी है, तो शब्द को जान रहे हैं हम, उसको शब्द का ज्ञान कैसे कर रहे हैं हम अंदर मन में, इसका ये नाम है। शब्द का प्रत्यक्ष अगर हम कहें, ये प्रयोग करें कि शब्द का प्रत्यक्ष, तो शब्द का प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय से, ऐसा शब्द आया फिर श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य हुआ फिर अंदर हमें जो भी बोध होना है वो हुआ, प्रक्रिया चली। अब उस शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसका प्रत्यक्ष नहीं, शब्द का प्रत्यक्ष, शब्द कौन सा, जो श्रवणेंद्रिय से ग्राह्य है, श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य है, वो प्रत्यक्ष। लेकिन हमारे को कोई शब्द नहीं आ रहा है, हम तो अकेले में है, हमने देखा कि भाई ये पेड़ है। अब ये जो शब्द आया है ये शब्द श्रोत्रेंद्रिय से सुना गया है, वो शब्द नहीं है यहां पर, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर बाहर का शब्द है तो वो तो किसी ने बोला होगा, उसको यहां नहीं है। ये जो हम जैसे ही वस्तु को देखा उसका जो नाम है, शब्द है उसका, वो हमें स्मृति में आता है, वो स्मृति वृत्ति हो रही है। ठीक है, लेकिन आएगी क्या, इसका नाम गाय है, इस पेड़ का नाम ये नीम है, ये जो हम अंदर ही अंदर जो सोच रहे हैं वृत्ति के रूप में देख रहे हैं, हम हमारा शब्दार्थ संबंध पहले बना हुआ है, हमें पता है, जैसे भी पता है हमारे को सब सुन करके व्यवहार से पढ़ करके, लेकिन शब्दार्थ संबंध बना हुआ है। अब जैसे ही अर्थ को देखा तो वो पिछला संस्कार जो शब्दार्थ संबंध बना हुआ था, वो संस्कार पड़ा हुआ है, वो संस्कार से वो शब्द हमारी स्मृति में आ जाता है। अब ये वो शब्द है, ये अंदर वाला, अब उस शब्द को वो स्मृति में कहेंगे हम, अब उसको सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अनुभूति के रूप में कहें कि हाँ मेरे को पता लग रहा है कि मैंने ये शब्द आया अंदर, अंदर की दृष्टि से आप देखें, तो कह सकते हैं ठीक है शब्द का प्रत्यक्ष है, वैसे वो स्मृति है, वो शब्द साथ में आ जाएगा, अर्थ हम देख ही रहे हैं सामने, उसको क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष है अंदर या बाहर जो भी है, और उसका जो बोध हो रहा है अंदर वो अब एक अलग चीज हो गई, उस ज्ञान का भी हमें ज्ञान होता है कि अंदर ये ज्ञान हो रहा है, ये वृत्ति के रूप में आ गया है, अब वो वस्तु नहीं है, वस्तु की जो वृत्ति है, वस्तु से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है
ज्ञान के रूप में, बोध के रूप में, उसको यहाँ पर ज्ञान कहा गया, इसको यहाँ पर ये ज्ञान के नाम से जो कहा गया है। अब इसको भी आप प्रत्यक्ष कहना चाहो तो कह लो, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके तो तीनों का प्रत्यक्ष नहीं, मुख्य तो अर्थ का प्रत्यक्ष होगा, बाकी तो ये चीजें साथ में आई हुई हैं और उसको भी प्रत्यक्ष कहें। तो ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा ही जाता है वैसे तो, वस्तु को न कह के उससे उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है एक परिभाषा के अंतर्गत। तो हाँ अब बोलो। ऐसे में तो फिर हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां पर एक से अतिरिक्त और भी वृत्तियां हैं, तो फिर वो जो समाधि वाली जो का जो लक्षण है कि वहां पर एक वृत्ति रहती है, तो उसका फिर एक विषय से, एक विषय से संबंधित वृत्ति है, इसीलिए तो उसको सवितर्क से ऊंचा निर्वितर्क को माना गया है। सवितर्क से ऊंचा निर्वितर्क को इसीलिए माना गया है। अब एक दृष्टि से तो एकाग्र है वो, हम केवल उसी वस्तु को देख रहे हैं गाय को, उससे संबंधित शब्द आ गया, उससे संबंधित ज्ञान हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी एकाग्र है कि जो बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, वो एक ही वस्तु का हो रहा है, उस पर हम केंद्रित हैं, इतने अंश में आप उसको एकाग्रता मानेंगे ही, इस रूप में वो एकाग्र है। लेकिन और सूक्ष्मता में जाएंगे तो ठीक है, शब्द और ज्ञान ये आ रहा है, स्वयं का बोध है, मैं जान रहा हूं इत्यादि जो साथ में जुड़ जाती हैं चीजें, वो उतने उतने अंश में वो अलग हो जाएगा। और समाधि में वैसे अपना बोध नहीं रहता है, अपना बोध नगण्य प्राय रहता है, छूट जाता है, वो वस्तु मात्र होता है। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, स्वरूप शून्यम इव, अपने स्वरूप से शून्य जैसा हो जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि भाई ध्यान में तो ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान कर रहे हैं और ध्यान जो चल रहा है, ये तीन चीजें, तीनों का भेद रहता है, ठीक है। मैं ध्यान करने वाला हूं, इस चीज का ध्यान कर रहा हूं और ये ध्यान हो रहा है, ये तीन बातें आ गई। इन समाधि में ध्याता भी लुप्त सा हो जाता है, ध्यान भी लुप्त हो जाता है, बस ध्येय मात्र रह जाता है, ध्येय मात्र रह जाता है, उसमें लीन हो जाता है। लेकिन वो लीन भी तीन तरह से, तीन चीजों से युक्त कहा जा सकता है, जिसको यहां कह रहे हैं शब्द अर्थ और ज्ञान, वो साथ में जुड़ा हुआ है। एक स्थिति, ध्याता को छोड़ दो, ध्याता को छोड़ दो और ये जो प्रक्रिया चल रही है उसको भी छोड़ दो, अब है तो अर्थ ही, लेकिन अर्थ को जानते हुए भी, प्रत्यक्ष करते हुए भी, उसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है और उसका ज्ञान है वो भी बहुत हो रहा है, तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। और जब शब्द भी हट जाएगा, ज्ञान भी हट जाएगा, केवल अर्थ मात्र रहेगा, अर्थ मात्र में उसमें इतने तल्लीन हो जाएंगे, उसी को सवितर्क से निर्वितर्क की स्थिति में कहें, हैं दोनों एकाग्रता ही, एकाग्रता में ही दोनों को माना जाएगा, लेकिन इस स्तर में भेद तो मान ही सकते, कोई आपत्ति नहीं। इसको अनेक वृत्तियां नहीं कहेंगे, वो एक ही वृत्ति है, एक विषय से संबंधित वृत्ति है। जैसे आपने एक दिन बताया था कि एकाग्रता दो स्तर की होती है, एक प्रत्यक्ष वाली और एक स्मृति वाली, स्मृति जन्य है उसको हम ध्यान में लेंगे, प्रत्यक्ष जन्य है उसको हम समाधि में लेंगे। तो जो यहाँ पर सब निर्वितर्क में तो जी बिल्कुल वो परिभाषा घट रही है, उसमें पूरा हो रहा है, लेकिन जो सवितर्क है उस वाली में भी एक विषय कहाँ रहा जी? जब वस्तु मात्र निर्वास है वो तो एक विषय है, लेकिन मैं जान रहा हूँ और जो इसका जो शब्द जो उसके साथ जुड़ के आ रहा है, तो वो तो जी दो विषय और अतिरिक्त है, ऐसा मानना पड़ेगा। अतिरिक्त है लेकिन वो एक ही मान करके उसको भी समापत्ति में लिया गया है, उसको एकाग्रता में मान लिया गया है। शब्द की तो स्मृति हो रही है, ठीक है, और मैं जान रहा हूं ये तो एक तरह से प्रत्यक्ष ही हो रहा है कि मैं जान रहा हूं, वो भी प्रत्यक्ष है लेकिन वस्तु से भेद है। लेकिन पर इन सबको साथ में लेते हुए जब एकाग्रता बनती है उसी को सवितर्क कहा गया। ऐसी एकाग्रता जिसमें तीनों चीजें हैं, वस्तु तो है ही लेकिन अर्थ और ज्ञान वाला भी साथ में जुड़ा हुआ है, इसी को सवितर्क कहा। ये निचली स्थिति है लेकिन आएगी एकाग्रता में, क्योंकि इन्होंने इसको समापत्ति में लिया है, उसी के अंतर्गत लेना चाहिए। आगे देखिए, तो ये 42वां सूत्र हमने देखा था सवितर्क समापत्ति का। अब 43वें सूत्र की अवतरणिका देखिए, अलग से बड़ी अवतरणिका है। यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ, वही सवितर्क समापत्ति में जब
क्या परिवर्तन हो रहा है उसको संकेत उसको बताना चाह रहे हैं। शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवचित्यते साच निर्वितर का समापत्ति। निर्वितर्क समापत्ति क्या है? शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो, शब्द के संकेत से जो स्मृति होती है उसके शुद्ध हो जाने पर, हट जाने पर, जैसे पीछे सवितर्का में वस्तु को देख रहे थे उससे संबंधित शब्द आ गया था और उससे संबंधित कुछ स्मृति आ गई हमारे को, शब्द संकेत जन्य जो स्मृति थी, शब्द आ गया उसके साथ साथ और भी चीजें जुड़ सकती हैं, वो जब परिशुद्ध हो जाती है यानी हट जाती है, साथ में श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम, जो उससे संबंधित श्रुत ज्ञान है, जो हमने पहले उस वस्तु के बारे में जाना है किसी पुस्तक से किसी व्यक्ति से, जो हमने सुना है शब्द प्रमाण से जो वस्तु का जाना है, वो भी वहां पर नहीं रहे। मान लीजिए हम रोटी को देख रहे हैं, अब रोटी का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन रोटी के बारे में जो हमने पहले जाना था शब्द प्रमाण से श्रुत, ऐसी ऐसी रोटियां होती हैं, ये शब्द है, वो चीजें भी अगर साथ में है तो एक अलग बात है, और वो चीजें साथ में नहीं आ रही हैं अभी, बस केवल मैं रोटी को देख रहा हूं अभी। और सामान्यतः हम भोजन करते हैं तो बस जो सामने है उसी को ही, उसी पे ही मन रहता है, नहीं भी रह सकता है। वो पिछली रोटी की भी, इस रोटी को देख करके, गुरुकुल की आश्रम की रोटी को देख करके अपने घर की रोटी याद आ रही है, ऐसी रोटी बनी है तो वो बताएंगे कि भाई किसी ने बताया था कि ऐसी रोटी बनी है, इसका मतलब है ये कच्ची है, ये पक्की है, ये इसके द्वारा इस आटे की है, इत्यादि इत्यादि वो चीजें साथ में आ रही हैं, तो ये श्रुत ज्ञान साथ में आ रहा है। तो श्रुत ये एक ज्ञान, और अनुमान हम जो उससे संबंधित अनुमान करते हैं, जैसे ही वस्तु को देखते हैं तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त तो उसमें कई हम अनुमान भी करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने देखा, व्यक्ति को देखते ही हमारे साथ में कुछ कुछ और चीजें आ जाती हैं कि भाई ये व्यक्ति स्वस्थ है, रुग्ण है, ये प्रसन्न है, ये दुखी है। किसी फल को देखते ही हमें साथ में आ जाता है कि ये स्वाभाविक रूप से पका हुआ है, ये कृत्रिम रूप से पका हुआ है, या कुछ और याद आ गया हमारे को कि भाई ये है, इसका मतलब है कि ये ऐसा होगा। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है लेकिन हम कुछ अनुमान साथ में कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसी रोटी बनी है तो उसने बनाई होगी इत्यादि, हमारा जैसा भी पीछे का ज्ञान है उसके अनुसार देखते हैं कि ये बना इसका मतलब है उसने बनाया होगा, इस तरह की गंध आ रही है इसका मतलब है चूल्हे पे बनी हुई है, कोयले से लकड़ी से बनी हुई है, गैस पे नहीं बनी हुई, ऐसा है यानी गैस पे, ये हम कुछ अनुमान साथ में जोड़ लेते हैं। तो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प, श्रुत ज्ञान अनुमान ज्ञान का जो विकल्प है, भेद है, उसके शून्यायाम शून्य होने पर, ये उस प्रत्यक्ष की बात की जा रही है, उस समाधि की बात की जा रही है जिसमें बस वस्तु मात्र पर केंद्रित है, वो उससे संबंधित कोई शब्द ज्ञान नहीं आ रहा है, श्रुत ज्ञान नहीं आ रहा है, ना कोई अनुमान कर रहा है, वो बस जो दिख रहा है जो दिख रहा है केवल प्रत्यक्ष पर केंद्रित है, जो ज्ञात हो रहा है सीधे सीधे बस उसी पे, और उससे संबंधित कोई शब्द है, शब्द जन्य संकेत, और उसकी जो स्मृति है वो भी कुछ नहीं है, केवल अभी वर्तमान पे टिका हुआ है। शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम, ऐसी समाधि प्रज्ञा में ये सब जहां शून्य हो चुके हैं, हट चुके हैं, स्वरूप शून्य मात्र अवस्थितः अर्थः, अपने रूप मात्र में अवस्थित जो वस्तु है समाधि प्रज्ञा में ही, समाधि लगी भी है अभी, ये समापत्ति में समाधि शब्द जोड़ा हुआ है, समाधि लगी भी है अभी, और उससे संबंधी जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, ज्ञान का बोध नहीं, उस ज्ञान के बारे में अभी प्रमुखता नहीं है उसकी, क्योंकि शब्द अर्थ ज्ञान इन वस्तुओं के ज्ञान से भी शून्य, लेकिन कुछ बोध तो हो ही रहा है उसको, समाधि प्रज्ञा तो बनी हुई है,
उसमें वो वस्तु मात्र अपने स्वरूप में रहेगी, अभी कैसी है और कुछ नहीं। तो समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः, अपने रूप मात्र में अवस्थित है, अभी कैसा उसका रूप है बस वो अवस्थित है और कुछ नहीं। किसी पत्थर को देखा तो अब जैसा दिख रहा है बस वैसा ही है साथ में, ये नहीं कि ये संगमरमर है, ये वहां कट करके आया होगा और इसका बड़ी चट्टान होगी और ऐसे निकाला होगा, उससे संबंधित जो बातें वो कुछ नहीं। ये कटा है तो ये उसमें मशीन, ऐसी ऐसी मशीन होती है उसमें कटा है, उससे संबंधित कुछ भी बात नहीं, बस अभी जो रूप दिख रहा है बस वही रहे, अभी जो सामने है बस वही रहे, ऐसा। तो उसके लिए उन्होंने कहा स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः, तत्स्वरूपाकार मात्रतया अवच्छित्यते, और उसके स्वरूप, उसका जो अपना आकार प्रकार है, उसका जो धर्म है, स्वरूप आकार मात्र के द्वारा वो जाना जा रहा हो, जैसा है बस वैसा ही जाना रहा हो, ऐसा। आगे साचा निर्वितर का समापत्ति, इसे निर्वितर का समापत्ति कहते हैं। और तत्परम प्रत्यक्षम, ये परम प्रत्यक्ष है, बहुत ऊंचा प्रत्यक्ष है, ये सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है, है प्रत्यक्ष, ये ध्यान रखना, इसको ध्यान में चिंतन में कभी भी नहीं ले जाना है समाधि को, समाधि मतलब तो प्रत्यक्ष, भ्रांति में कभी भी नहीं जाना, कोई भी चिंतन चल रहा है ये प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, प्रत्यक्ष तो वहां होना ही चाहिए, प्रत्यक्ष के साथ साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं एक अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष अवश्य होना चाहिए। ये परम प्रत्यक्ष है, सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है। सामान्य प्रत्यक्ष में हम शब्द और ज्ञान इनको जोड़े हुए रहते हैं, शब्द जन्य स्मृति आती है उससे संबंधित ज्ञान हमारा आ जाता है, श्रुत और अनुमान भी साथ में आता रहता है, और प्रत्यक्ष भी कर रहे होते हैं हम उसको, हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष तो है वो, लेकिन उस प्रत्यक्ष में साथ में ये चीजें भी जुड़ी हुई हैं, चित्त में वो भी काम हो रहा है, अन्य वृत्तियां भी चल रही हैं, संबंधित ही, उसको एकाग्र भी कहेंगे, उसको हम प्रत्यक्ष भी कहेंगे, लेकिन वो उतना ऊंचा प्रत्यक्ष नहीं है जितना कि ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि उस समय चित्त में अन्य चीजें भी साथ में चल रही हैं, वो व्यक्ति उस वस्तु पर उतना केंद्रित नहीं है जितना कि निर्वितर्क की स्थिति में, सारे शब्द हट गए, श्रुत और अनुमान ज्ञान हट गया, वो केवल प्रत्यक्ष पर केंद्रित है, तो ये प्रत्यक्ष कहलाएगा तत्परम प्रत्यक्षम, इसको आप ऊंची एकाग्रता भी कह सकते हैं, ये दूसरी वृत्ति नहीं है इसमें, तत्परम प्रत्यक्षम तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम, और ये जो प्रत्यक्ष है ये श्रुत और अनुमान का बीज है, कारण है, आधार है, क्योंकि जो श्रुत ज्ञान होता है, अनुमान ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। अब ये शुद्ध प्रत्यक्ष है, सामान्यतया जो हम प्रत्यक्ष करते हैं उसकी अपेक्षा ये शुद्ध है, और इतने ही अंश में वो ही श्रुत और अनुमान का आधार बनता है। हम सामान्यतया जो प्रत्यक्ष करते हैं जिसमें शब्द और ज्ञान ये चीजें भी मिली रहती हैं, श्रुत अनुमान भी मिला हुआ रहता है, उसको जो हम प्रत्यक्ष कहते हैं, उसमें भी केवल वही भाग जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो शुद्ध जो यहां पर कहा है, उतना ही अंश वास्तव में श्रुत और अनुमान का बीज बनता है, वो पूरा पूरा नहीं बनता है, लेकिन हम सामान्य अवस्था में उन सारे को, मिले जुले को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, आपत्ति नहीं है, व्यवहार में चल सकता है, लेकिन अब हमें जब ये समाधि बताई जा रही है, समापत्ति बताई जा रही है, तो उन दोनों प्रत्यक्षों में भेद तो हमें देखना होगा, ध्यान में भी ऐसा ही होगा, उपासना करते हैं उसमें समाधियां, जब प्रत्यक्ष की स्थिति आती है, विचारों के अंदर भी आप देख सकते हैं ये भेद, तो एक बार एक समय विचार कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम बहुत से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सूत्रों का, मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञान भी हो रहा है, ध्यान का कह रहा हूं, समाधि का नहीं कह रहा हूं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि बस उस वस्तु वहां शब्द चला जाता है, केवल अर्थ का बोध रहता है, जो शब्द हम बोल रहे थे, सूत्र बोल रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, वाक्य बोल रहे थे, भजन का गीत पंक्ति बोल रहे थे, वो सब हट जाते हैं, अब अर्थ मात्र रहता है, हालांकि वहां भी विचार तो चल रहा है, वहां भी वाक्य तो है, वहां भी भाषा तो है, लेकिन ऐसे नहीं है कि देखो इस सूत्र में ये कहा गया ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो नहीं रहेगा, वहां पर अर्थ मात्र की अनुभूति कर रहा है, रहेगी भाषा वहां भी सूक्ष्म रूप से रहेगी, लेकिन मोटा रूप हट जाता है, जैसे वहां ये भेद है ऐसे यहां पर भी समाधि में
शब्द और उससे संबंधित चीजें हट जाती हैं, बस वस्तु मात्र रहती है। और ऐसा संभव है, ये हम बच्चों वाले शिशु वाले उदाहरण में देख सकते हैं। हम ऐसा ही मानते हैं कि बच्चे में भाषा नहीं है, अभी शब्द नहीं है, लेकिन अनुभूति अर्थ का बोध तो हो रहा है उसको, प्रत्यक्ष तो हो रहा है, इससे हम मना नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ यहां पर होगा। तो तच्च श्रुतानुमान और बीजम, ये श्रुत और अनुमान का, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान का बीज है ये प्रत्यक्ष। क्यों? तथा श्रुतानुमान है प्रभवतः, श्रुत और अनुमान वहीं से उत्पन्न होते हैं, वहीं से निकलते हैं, इसका स्रोत ही वहीं पर है। अगर प्रत्यक्ष नहीं हो तो श्रुत और अनुमान का क्या अस्तित्व है, नहीं हो पाएगा, प्रत्यक्ष तो चाहिए। आगे न च श्रुतानुमान ज्ञान सह भूतम तत्दर्शनम, ये जो दर्शन हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान की प्रमुखता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो हो ही रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है तो ज्ञान तो हो ही रहा है, उससे तो नकार नहीं सकते। तो ये जो दर्शन है, इस समय जो ज्ञान हो रहा है, ये दर्शन ही वहां पर समापत्ति है। समाधि अवस्था में जो ये ज्ञान हो रहा है उसी को ही तो समापत्ति कहना चाहते हैं। तो ये जो दर्शन है कैसा है, श्रुतानुमान न च श्रुतानुमान सहभूतम, ये श्रुत और अनुमान के साथ साथ में नहीं हो रहा है, ये भिन्नता हो गई। नीचे वाले जो प्रत्यक्ष हैं उनमें श्रुत और अनुमान भी साथ में जुड़ा ही रहता है। अब कल्पना करके देख लीजिए, कुछ भी विचार में बैठे बैठे कि किसी चीज का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसमें श्रुत और अनुमान जुड़ा हुआ है या नहीं है, ध्यान देंगे तो उसमें पता लगता है। यद्यपि हम उसको प्रत्यक्ष ही कहते हैं, भाई मैं देख रहा हूं, ये सामने घड़ी है, मैं देख रहा हूं, लेकिन उस घड़ी को देखते हुए उसके साथ साथ श्रुत और अनुमान भी जुड़े हुए हैं हमारे, पर हम उस श्रुत और अनुमान को जोर नहीं देते, हम कहते हैं नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि प्रमुखता प्रत्यक्ष की होती है और श्रुत और अनुमान भी जुड़ा हुआ है वहां पर। लेकिन जब श्रुत और अनुमान भी हट जाएगा, केवल प्रत्यक्ष रह जाएगा, वो ये प्रसंग है। तो न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम, इस समापत्ति में, निर्वितर का समापत्ति में जो दर्शन है, ज्ञान है, वो श्रुत और अनुमान ज्ञान से रहित है, उसके साथ साथ नहीं होता है। तस्मात असंकीर्णम प्रमाणांतरेण, इसलिए ये असंकीर्ण है, किससे, प्रमाणांतर से, भिन्न प्रमाणों से ये संकीर्ण नहीं है, घुले मिले नहीं है। भिन्न कौन, प्रत्यक्ष से भिन्न। पीछे वाली जो समापत्ति थी वो संकीर्ण थी, शब्दार्थ ज्ञान से संकीर्ण थी, उसमें अन्य प्रमाण भी साथ में थोड़े जुड़े हुए थे, प्रत्यक्ष होते हुए भी जुड़े हुए थे, और यहां पर तस्मात असंकीर्णम प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतर से, अन्य प्रमाण से जो श्रुत और अनुमान है उससे घुली मिली नहीं है, ये शुद्ध प्रत्यक्ष है। योगिनः, योगी का निर्वितर्क समाधिजम दर्शनमिति, निर्वितर्क समाधि से होने वाला ये दर्शन है, ज्ञान है, निर्वितर्क समाधि से होने वाला ये ज्ञान है। अब निर्वितर्क समापत्ति के लिए भी आता है, निर्वितर्क समाधि के लिए भी बोल दिया है इन्होंने। समाधि समापत्ति एक कहते हुए भी, अनेक जगह एक जैसा होते हुए भी, समाधि में जो निर्वितर्क प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको यहां समापत्ति के रूप में कहा, क्योंकि वो ग्रहण हो रहा है, समाधि एक स्थिति हो गई, भूमि हो गई, और उसमें जो हमें ज्ञान हो रहा है उसको समापत्ति के रूप में कहा गया। पर ठीक है, वो होती समाधि में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए समापत्ति है तो समाधि भी है वहां पर, और निर्वितर्क समाधि है मतलब निर्वितर्क समाधि में निर्वितर्क समापत्ति की स्थिति है। निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम इति, ये दर्शन, ये ज्ञान। निर्वितर्काया समापत्ते है अस्य सूत्रेण लक्षणम द्योत्यते, तो निर्वितर्क समापत्ति का सूत्र के द्वारा लक्षण बताया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। यही बात जो अभी हमने भूमिका में, अवतरणिका में देखी, वो ही आगे आएगी। ये अवतरणिकाएं भी व्यास जी की मानी जाती हैं, तो छोटे अक्षरों में लेकिन लिखी हुई हैं अलग से, हो गया। तो इन्होंने और अपने ढंग से अवतरणिका में ही काफी चीजें खोल करके बता दी है। अब यही बात हम आगे पढ़ेंगे, सूत्र में भी यही आएगा, भाष्य में भी लगभग यही बातें आएंगी, शब्दों का कुछ भेद रहेगा। तो 43वां सूत्र है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। निर्वितर्का है
कब होती है? तो पहली शर्त बताई, स्मृति के परिशुद्ध होने पर। परिशुद्ध का मतलब हट जाने पर, जैसा इन्होंने अवतरणिका में कहा था, शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो। शब्द जन्य जो हमें स्मृति आ जाती है, शब्द के साथ साथ जो उस वस्तु की स्मृति आ जाती है, या पिछली सारी स्मृति से रहित, स्मृति के परिशुद्ध होने पर उस वस्तु जिसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उससे संबंधित कोई स्मृति नहीं आ रही है अभी, इतनी एकाग्रता है, स्मृति परिशुद्ध हो। दूसरा का स्वरूप शून्यम शून्य इव, स्वरूप के शून्य से रहित, स्वरूप का मतलब वो अपने बोध से रहित, और इसको दूसरे ढंग से है कि प्रज्ञा के स्वरूप से रहित, प्रज्ञा जो ज्ञान या बुद्धि है उसके स्वरूप से रहित, ये ज्ञान हो रहा है ऐसा ऐसा नहीं बोध होगा वहां पर। स्वरूप शून्य इव, उस जैसा, पूरी शत प्रतिशत समाप्त नहीं होगा, वो तो रहेगा लेकिन शून्य जैसा हो जाएगा, एकदम गौण हो जाएगा। फिर क्या होता है, अर्थमात्र निर्भाषा, जो अर्थ है, वस्तु है, मात्र उसका आभास हो रहा है, बोध हो रहा है, ये प्रत्यक्ष ही है। अर्थमात्र निर्भास वाली जो समापत्ति है उसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं, इसमें वितर्क नहीं होते, अन्य चीजें नहीं होती, केवल एक ही चीज होती है। भाष्य देखिए, स्मृति परिशुद्धों को कह रहे हैं, या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध हो। तो शब्द के संकेत से जो हमें ज्ञान होता है, श्रुत शब्द संकेत हमारे अंदर जो है, श्रुत जो हमने सुना है पहले, उससे अनुमान ज्ञान के विकल्प की जो स्मृति है, उन सब से परिशुद्ध यानी रहित, ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता, ग्राह्य वस्तु जो प्रमेय है सामने, उसके स्वरूप से उपरक्त हुई हुई प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा ज्ञान ही है, ये स्थिति है, समाधि जन्य प्रज्ञा है, लेकिन कैसी प्रज्ञा है, केवल ग्राह्य वस्तु के रूप से उपरक्त है, रंगी हुई है। स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम, और अपने प्रज्ञा स्वरूप से भी, कौन सा है वो प्रज्ञा स्वरूप, ग्रहणात्मकम, जो ग्रहण रूप है कि मेरे द्वारा ये गृहित हो रहा है, जिससे ग्रहण हो रहा है उसको ग्रहण कह रहे हैं यहां पर, इंद्रिय जो पीछे था, गृहित्री ग्रहण और ग्राह्य, तो जो ग्रहण शब्द था उसका यहां पर इसको लिया जा रहा है। अब वहां सीधे बुद्धि को लिया जा रहा है, प्रज्ञा को, इंद्रियों को भी ले सकते हैं यदि बाहर की वस्तुएं ले रहे हैं तो, लेकिन आंतरिक प्रत्यक्ष हो रहा है तो वहां पर तो प्रज्ञा ही सीधी आएगी करण के रूप में, उससे उसके उसको छोड़ते हुए। तो प्रज्ञा स्वम इव ग्राह्य स्वरूपों पर रखता प्रज्ञा, ये वहां तक हो गया, और स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम, अपने प्रज्ञा स्वरूप को, कैसा स्वरूप है, ग्रहणात्मकम, जो ग्रहण करने वाला है यानी साधन के रूप में, उसको त्यक्त्वा छोड़ करके, वो प्रज्ञा अपने प्रज्ञा स्वरूप को जो कि ग्रहणात्मक है उसको छोड़ती हुई, छोड़ती हुई सी, ये व्यवसाय जोड़ सकते हैं। और पदार्थ मात्र स्वरूपा, जो पदार्थ है, वस्तु है, मात्र उसके स्वरूप वाली है, वो अभी है प्रज्ञा ही, ग्राह्य स्वरूपा पन्ना इव, ग्राह्य स्वरूप से आपन्न हो गई, उस जैसी बन गई है, उससे उपरक्त हुई और उसके जैसी बन गई, जो पीछे तीन शब्द आ रहे थे, उपरक्त हुई है और उस जैसी बन गई है, उपपन्ना इव भवति सा तदा निर्वितर्का समापत्ति, उसी जैसी आभासित हो रही है, वो भी साथ में जोड़ लेंगे, उस जैसी बन गई है और उस जैसी आभासित हो रही है, ऐसी जो है प्रज्ञा सा तदा निर्वितर्का समापत्ति, उसे निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। हो गया, तो इसका स्वरूप तो आ गया, अब इससे संबंधित कुछ और बातें हैं जिसको आगे बता रहे हैं। तथा च व्याख्यातम, जैसा कि कहा गया है, पुष्टि के लिए वचन बता रहे हैं, तस्याह, तस्याह मतलब यहां पर वो निर्वितर्क, निर्वितर्कायाह, एक बुद्धिउपक्रमो ही अर्थात्मा अणुप्रचय विशेष आत्मा गवादिर घटादिर वा लोकः, उस निर्वितर्का समापत्ति का ये जो है वो एक बुद्धिउपक्रम, यानी एक बुद्धि से आरंभ होता है, एक ही बुद्धि रहती है बस, बिल्कुल वही, और कुछ नहीं रहेगा।
अर्थात्मा, अर्थ मतलब वो वस्तु पदार्थ, उसके स्वरूप वाला अर्थात्मा, अणुप्रचय विशेष, अणु छोटे छोटे उसके जो अवयव हैं, प्रचय मतलब उसका समूह, अणुओं के समूहों के समूह के समूह विशेष के रूप वाला, ये अनेक वस्तुएं मिलकर के बनी है जो बना हुआ है उसके लिए, क्योंकि कार्य द्रव्य है, मूल प्रकृति की बात नहीं है, उससे बनी हुई चीजों के लिए बात की जा रही है। महाभूत आदि हैं वो भी किसी किसी सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के बने हैं, तो वो प्रचय विशेष। वो कैसे, जैसे कि लोक में गवादिर घटा तिरवा लोक, जैसे लोक है गौ या घड़ा, गाय और घड़ा, ऐसा जो प्रचय विशेष होता है ऐसा ही इसको भी वहां पर होगा। लेकिन यहां का विषय गाय और घड़ा नहीं लेंगे, इसका विषय भूत लेंगे। स्थूल लेना है तो भी भूत ही लेंगे, गाय भैंस की अपेक्षा वो सूक्ष्म है लेकिन वैसे वो स्थूल है। तो जैसे लोक के अंदर ये वस्तुएं होती हैं और हमारे को वहां एक अवयवी दिखाई देता है, अवयव नहीं अवयवी, अवयवी के रूप में उसको आभासित होता है ये वस्तु है। आगे सच संस्थान विशेषो, वो एक संस्थान विशेष है, संस्थान मतलब विशेष रूप से बना हुआ। भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म आत्मभूत, जो सूक्ष्म भूत हैं उनका साधारण धर्म है, ये विशेष धर्म नहीं है, सामान्य धर्म, कि ये पृथ्वी भूत है, ये जल भूत है, ये अग्नि भूत है, ये वायु भूत है, इसके जो चीजें हैं, मान लीजिए पृथ्वी को हमने लिया, और ये पृथ्वी भूत है, अब पृथ्वी भूत में पृथ्वी के बहुत सारे कण हैं, उनके जो सामान्य धर्म है वो आ गए। जैसे हम किसी भी मनुष्य को देखें कि भाई ये मनुष्य है, अब ये मनुष्य है जिस समय हम मनुष्य कह रहे हैं इसको, अब उसके विशेष धर्म नहीं बोल रहे हैं, मनुष्यत्व के लिए जो जो गुणधर्म वहां पर अपेक्षित हैं बस वही गृहित हो रहे हैं, ठीक है। अब व्यक्ति पे जाएंगे तो अब उसके विशेष धर्म आ सकते हैं, लेकिन यहां जो इनको बोध होगा कैसा, एक सामान्य रूप में होगा। तो इसलिए कहा सच संस्थान विशेष है, भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, भूत सूक्ष्मों का साधारण धर्म, ऐसे धर्म जो कि सब में होते हैं वो आत्मभूत, आत्मभूत का मतलब है तदात्मक, जैसे समापत्ति के लिए कहा था तत्स्थ तदंजनता तद्रूप, बिल्कुल, तो आत्मभूत का मतलब है उस तदात्मभूत, वो वस्तु जैसी है बस वैसा ही। फलेन व्यक्तेन अनुमितः, और उसका ज्ञान कैसे होता है, तो व्यक्त फल के द्वारा, फल मतलब कार्य द्रव्यों के द्वारा वो अनुमित होता है। फलेन व्यक्तेन अनुमितः, आगे स्वव्यंजकांजनः, अपने कारणों से जो प्रकट हुआ हुआ है, स्व मने अपने, व्यंजक मतलब कारणों से, अंजनः मतलब प्रकट हुआ प्रकाशित हुआ, स्वव्यंजकांजनः प्रादुर्भवति, वो उत्पन्न हो जाता है। धर्मांतरस्य कपालादेह उदये च तिरोभवति, और अगर उसमें दूसरा धर्म आ जाता है, जैसे कि मिट्टी की दृष्टि से इन्होंने कहा कि मिट्टी का कपाल बन गया, पहले घड़ा था, घड़ा टूट गया तो उसके ठीकरे जो होते हैं कपाल होते हैं टुकड़े, वो कपाल रूप में आ गया, अब वो घट रूप में नहीं रहा। तो धर्मांतरस्य, दूसरे धर्म का, पहले घट धर्म था अब कपाल धर्म आ गया, इसको धर्म के रूप में कहते हैं। मिट्टी है वो धर्मी के रूप में है, मिट्टी धर्मी थी, वो पहले चूर्ण रूप में थी तो चूर्ण मृत हो गई, फिर पिंड के रूप में आ गई तो पिंड मृत हो गई, और जब फिर वो घड़े के रूप में आ गई तो घट मृत हो गई, और जब टूट गया तो कपाल मृत हो गई, फिर चूरा हो गया तो फिर चूर्ण मृत हो जाएगा। तो मृत को, मिट्टी को तो यहां पर धर्मी मान रहे हैं, और जो इसका चूर्ण रूप है, जो उसका पिंड रूप है, जो उसका घट रूप है, जो कपाल है, इसको धर्म कह रहे हैं। लेकिन किसी अवस्था में हम कहते हैं कि ये घड़ा है, ये एक द्रव्य है, धर्मी है, घड़े को हम धर्मी देख रहे हैं और कहते हैं ये घड़ा कैसा है, ये काला है, ये लाल है, इसमें ये रंग डिजाइन वगैरह, इसको आकृतियां बनाई हुई हैं इत्यादि, हम उस घट को धर्मी के रूप में भी बोलते हैं, लेकिन अभी यहां पर उस घट को धर्म के रूप में कहा जा रहा है। तो धर्मांतर से कपाल आदि उदय च तिरोभवती, जो पिछला वाला धर्म है वो कपाल आदि के उत्पन्न होने पर हट जाता है, अगला आ गया। स एष धर्मो अभी भी इति उच्यते, ये जो धर्म है कपाल पिंड
घट, इसी को धर्म ही कहते हैं, ये धर्म ही के रूप में है। धर्मो अव्यवी इत्युच्यते, उसको अव्यवी बोलते हैं, अवयव और अव्यवी, अवयव उसके कण हो गए और उन अवयवों से जो बना है उसको अव्यवी कह रहे हैं, अव्यवी। यो असौ एकश्च महाश्च अणियाश्च स्पर्शवांश्च क्रियाधर्मकश्च अनित्यश्च तेन अव्यवीना व्यवहारा क्रियन्ते। और ये जो अव्यवी है ये कैसा है, सो असौ एकश्च, वो एक ही होता है। अब घड़ा है, एक घड़ा है तो वो एक ही होगा उस समय, उस इकाई के रूप में, उसमें कण कितने भी हों लेकिन वो घड़ा तो एक ही कहलाएगा, छोटा बड़ा जितना भी है तो एक होता है एक। तो यो असौ एकश्च और महाश्च अणियाश्च, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है जैसा जो है। स्पर्शवांश्च और वो स्पर्श वाला है। क्रियाधर्मकश्च, क्रियाधर्म वाला है, उसमें क्रियाएं होती हैं, परिणमन क्रिया होती हैं, वो जैसे कि घड़ा है तो वो जल को धारण कर रहा है, ये उसकी क्रिया हो रही है तो क्रियाधर्म वाला होता है। अनित्यश्च और वो अनित्य होता है क्योंकि ये अवयवी है, अवयवों से बना है इसलिए अनित्य ही होगा। अनित्यश्च और तेन अव्यवीना व्यवहार क्रियन्ते, हम जो लोक में व्यवहार करते हैं वो अव्यवी के रूप में ही करते हैं व्यवहार, अवयवों के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं। कोई भी वस्तु हो, न्याय दर्शन में भी ये प्रसंग चला है अवयव अव्यवी वाला, तो अव्यवी को वो स्वीकार करते हैं, ये भी स्वीकार करते हैं, उसी तरह से व्यवहार तो अव्यवी से ही चलेगा। तो ये इन्होंने अपनी बात रखी है और दूसरों के मत को लेते हुए, जो दूसरों ने जो अव्यवी को नहीं मानते, वस्तु को नहीं मानते, वो केवल अवयवों को मानते हैं, उनके पक्ष का निषेध यहाँ पर आगे किया जा रहा है। तो यससे पुनः अवस्तु का स प्रचय विशेष, जिसके मत में ये जो प्रचय विशेष है ये अवस्तु है, इसमें कोई वस्तु नहीं है, यानी अव्यवी नहीं है, बस वो अणुओं का समूह मात्र है, ऐसा जो कहते हैं। सूक्ष्मम च कारणम अनुपलभ्यम, और जो इसका सूक्ष्म कारण है, वास्तविक कारण है मूल, वो अनुपलभ्य है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये तो प्रचय विशेष है। अविकल्पस्य तस्य अनुपलभ्यम, अविकल्पस्य तो विकल्प से रहित है जो, अविकल्पस्य का नहीं, अविकल्प का मतलब है यहां पर ये जो निर्वितर्क समापत्ति है, विकल्प रहित जो समापत्ति है उसका, अविकल्पस्य समाधि का, इसमें निर्वितर्क और निर्विचारा दोनों का ग्रहण हो सकता है, प्रसंग निर्वितर्क का चल रहा है। तो अविकल्पस्य, दो तरह की समाधियां आपने सुनी होगी, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, ये सब लोक में कभी कैसी समाधि है, सविकल्प और निर्विकल्प, यहाँ सीधे सीधे शब्द नहीं आते हैं, यहाँ सविचार और निर्विचार आते हैं, सवितर्क निर्वितर्क आते हैं, तो सविकल्प और निर्विकल्प। तो ये जो अविकल्प है ये निर्विकल्प के अर्थ में है। अविकल्पस्य तस्य अव्यवी अभावात, और उसमें चूंकि अव्यवी नहीं होता है, अव्यवी का अभाव होता है, अतद्रूप प्रतिष्ठा मिथ्या जानमिति, तो वो तद्रूप प्रतिष्ठित नहीं होगा, जो वस्तु है वो तो है नहीं, दिख तो रही है वस्तु है लेकिन वो वस्तु है नहीं, क्योंकि वो अव्यवी को ही नहीं मानता है उनके मत में, तो फिर तो ये अतद्रूप प्रतिष्ठित होगा, जबकि प्रत्यक्ष में तद्रूप प्रतिष्ठित होना चाहिए, सत्य ज्ञान में यह असत्य हो जाएगा। अतद्रूप प्रतिष्ठा मिथ्या जानमिति प्रायण सर्वमेव प्राप्त मिथ्या जानमिति, तो ये तो मिथ्या ज्ञान है, तो इस दृष्टि से तो उनका जो भी ज्ञान होगा अगर ऐसी मान्यता मान करके ये समाधि लगी है तो वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि वो अव्यवी को वस्तु को तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इतना ही रखते हैं, प्रणवत ओ। सभी को साधारण अभिवादन, ओम शांति।